स्वागत करवाला में आज फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे सफेद मटर और आलू की चाट वाले छोले। सफेद मटर बनाने के लिए जो मैंने सामग्री ली है वो इस तरह से है। मैंने लिया है 150 ग्राम मटर उबाल करके लिया है, एक गिलास पानी लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए लिया है, आधा टीस्पून कसूरी मेथी लिए, दो आलू छोटे छोटे से उबाल कर काट के लिए हैं, एक छोटा सा प्याज लिया है, एक हरी मिर्च ली है, 5-6 लहसुन की गुलियाँ ली है, आधा इंच करी अदरक घिस के लिया है, और मसालों में आधी टीस्पून हल्दी, आधी टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून सूखा धनिया, आधा टीस्पून चाट मसाला और थोड़ा सा भुना जीरा और थोड़ा सा सफ़ेद नमक लिया है करीब 1 टेबल स्पून, एक नींबू का रस लिया है, 2 तेज़पत्ता और जीरा लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस शुरू कर दिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाला है। तेल गर्म हो रहा है और गर्म होने पर हम डालेंगे हमारे तेज़पत्ता और हम डालेंगे सबसे पहले जीरा। जीरा गरम हो रहा है और इसके बाद में हम डालेंगे जो प्याज लिया है, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इनको हम अच्छे से भुनेंगे। हमारा प्याज भुन गया है, हम इसको ज़्यादा तेज़ गुलाबी नहीं करेंगे। जब ये भुनने लगा तो मैं इसमें आलू डाल दूंगी। आलू को भी मैं थोड़ा साथ में इसमें फ्राई करूँगी। आलू भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है और अब मैं सारे सूखे मसाले जो लिए थे वो सभी मैं एक साथ डाल दे रही और उनको अच्छी तरह सबको मिक्स करूँगी और उसके बाद जो हमने मटर उबाल के रखे हैं उनको भी मैं इसी में डाल दे रही और साथ में मैं डालूँगी आधा गिलास पानी। इसको मैं ढक के 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। मैं ढक्कन उठा के देखती हूँ कि हमारे छोले पक रहे हैं। अब इसको पकने में थोड़ा समय और बाकी है, मैं इसको ढक देती हूँ और हम गैस बंद कर देते हैं और ढक्कन उठा के हम धनिया से गार्निशिंग करेंगे। कसूरी मेथी भी हम ऊपर थोड़ा क्रश करके डाल देंगे। मैं नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। हमारे मटर आलू की चाट तैयार है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसको आप समोसा, टिकिया, किसी की भी चाट के साथ खा सकते हैं, साथ में हरी चटनी और मीठी चटनी डाल के खाएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो आप हमारे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।